नीट 2022 कट ऑफ पिछले 3 सालों में सबसे कम रही इस बार नीट की कट ऑफ। अब काउंसलिंग की तैयारी के लिए MCC की वेबसाइट से देखें स्टूडेंट्स। इस बार अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ स्कोर 715 से 117 गया है, जो पिछले साल 720 से 138 थी। 2020 यह 720 से 147 थी। इसे अलावा SC की कट ऑफ इस बार 116 से 93 गई है, जो 2020 में 146 से 113 थी और 2021 में 137 से 108 रह गई थी। कुल मिलाकर हर साल क्वालिफाइंग मार्क्स रेंज में कमी देखी जा रही है। रिजल्ट जारी होने के बाद अब जल्द ही काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। NMC ने जानकारी दी है कि सितंबर अंत या अक्टूबर प्रारंभ तक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होंगी। उम्मीदवार किसी भी अपडेट के लिए www.medicaleducare.com पर नजर बनाकर रखें। नीट काउंसलिंग 2022 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए DGHS भारत सरकार 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करती है। 100% डीम्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑनलाइन MCC नीट काउंसलिंग 2022 में भाग लेंगे। ESIC और AFMC, BHU और AMU की सीटें भी 15% AIQ नीट काउंसलिंग से भरी जाएंगी। उम्मीदवार DGHS के निर्देशों के अनुसार 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए आवेदन करेंगे और काउंसलिंग के 2 राउंड के बाद खाली छोड़ी गई सीटों को मॉप अप राउंड में समायोजित किया जाएगा। जो उम्मीदवार अखिल भारतीय काउंसलिंग में भाग लेते हैं, वे अपने अपने राज्यों की स्टेट काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.medicaleducare.com पर विजिट करें।